सकते हो काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पर बहुत से विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैमरा पीछे रहो यार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जो कि आपको नहीं रहने देंगे। आ जाओ। तो यार आज मैं आ गया हूँ जंगलों में, आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और एकदम जंगली जानवरों से मैं घिरा हुआ हूँ। यार आई एम जोकिंग, आई एम किडिंग, बिकॉज आज काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार कहाँ जाके ब्लॉग शूट किया जाए जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और आप लोगों को मज़ा भी आए। तो मैंने आया आज पटना जू में और थोड़ा जंगल वाले एरिया में आ गया हूँ ताकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे सकूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ योर बॉय प्रतीक। तो यार कैसे हो तुम सब, होप कि तुम सब अच्छे होगे। और इतना दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका एक अलग रीज़न है, कभी फिर बात करेंगे उसके बारे में। पर आज का ब्लॉग ये पटना जू का है, मैंने वॉइस ओवर करा है पूरे वीडियो को बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, बिकॉज़ आज संडे था, तो इसलिए मैंने सारे वीडियोज़ क्लिप्स बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया और वॉइस ओवर कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो एंजॉय करो। तो चलो चलते हैं जू के अंदर और देखते हैं अपग्रेड हुआ है जू, बिकॉज़ मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 3 सालों के बाद आ रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं जू नहीं आया। तो सबसे पहले देख लो ये टिकट का फेयर है, एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए तुम्हें 10 रुपीज़ पे करने होंगे। और यहाँ पर आज संडे था तो काफ़ी भीड़ था, और जैसे ही आप जू के अंदर एंट्री लेते हो ये खूबसूरत सा बाघ का जो चित्र है वो तुम्हें दिखाई देती है। और जू के अंदर जाते ही तुम्हें बहुत सारा खूबसूरत ग्रीनरी जो अचानक से तुम्हें फ़ील होगा, जो आम तौर पर हम लोग को, जैसे हम लोग को पटना में रहते रहते इस तरह का सीन तुम लोग को नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जू के अंदर जाते ही बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारे तुम्हें नज़र आते हैं, जो ग्रीनरी होता है वो। और ये तुम लोग देख लो, मैप है, यहाँ से तुम देख के पता कर सकते हो कि कौन सी किस तरह से घूमना है, बेसिकली किधर किधर जाना है। और इस तरह के बोट्स भी तुम्हें नज़र आ जाएंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरफ कौन सा पशु या पक्षी किस तरफ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही जू में आप इंटर करते हो तो सबसे पहले तुम्हें तेंदुआ देखने को मिलता है। तो यार देखो, मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली 2 तेंदुआ नज़र आया जो कि ऊपर बैठा हुआ था, बिकॉज तुम लोग को पता होगा कि तेंदुआ पेड़ वगैरह ऊँचे जगहों पर भी चढ़ जाता है आराम से। तो यहाँ पर 2 तेंदुआ तुम्हें नज़र आ रहा है, होप कि तुम्हें नज़र आ रहा हो, बिकॉज़ मैंने जूम करा है काफ़ी, उससे वीडियो क्वालिटी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ गया। पर तुम देख सकते हो वो दोनों आराम से धूप सेक रहा था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एनिमल्स का हैबिटेट था, आई थिंक यहाँ पर भालू या बंदर रहते होंगे बिकॉज पिक्चर उन्हीं का बना हुआ था, पर वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जू गया तो मुझे ऐसे बहुत सारे केजेस नज़र आए जिसमें एक्चुअली में कोई भी जानवर नहीं था। और यहाँ पर एक वल्चर तुम्हें नज़र आ रहा है, वल्चर है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एक बर्ड होता है, जिसे चील वल्चर दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, लाइक दोनों एक ही तरह के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आ गए शेर, किंग ऑफ एनिमल्स, शेर लायन। और यहाँ पर मुझे केवल एक शेर नज़र आया, अभी तुम लोग को देखने को मिलेगा, केवल एक शेर देख सकते हो, एक शेर जो वहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था वो, और काफ़ी जूम करने के बाद नज़र आ रहा है वो शेर, धूप में बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। आखिर की आज बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और धूप भी था, पर ये शेर को अभी भी ठंड लग रहा है, इसके लिए अभी ठंड का सीज़न अभी गया नहीं। और शेर के बगल में ही तुम्हें टाइगर्स का दोनों केज मिल जाएंगे। हमारे जू में 2 टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक वेस्ट बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर और एक जो हमारा टाइगर नॉर्मल वाला होता है, यहाँ पर तुम देख सकते हो वो जॉगिंग कर रहा था। और ये उस समय यार आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, तो लगभग सारे जो जानवर हैं उन्हें जो लंच होता है वो मिला हुआ था, तो मैंने नोटिस करा कि काफ़ी से जानवरों को कुछ कोई जानवर खा रहा था, तो कोई जानवर चल रहा था, इस तरह से वो लोग खा के आराम कर रहे थे कोई जानवर। और ये मैं अभी पहुंच गया हूँ
स्नेक स्नेक जो सर्पगृह है वहाँ पर यार दो तीन प्रकार के बस मुझे स्नेक्स देखने को मिले, जिसमें अजगर, तीन केजेस में अजगर थे, एक में धामिन था, तुम देख सकते हो। ये इसमें दो तीन अजगर एक साथ बैठे हुए थे और काफ़ी मोटा, इनका तो यार मुंह बहुत छोटा छोटा लग रहा था पर दो तीन थे साथ में। और ये धामिन जिसे रैट स्नेक भी कहते हैं, ये दो तीन सांप मुझे नज़र आए, दो तीन सांप एक साथ लिपटे हुए थे और ये काफ़ी डेंजरस होता है, ज़्यादातर ये खेतों में मिल जाते हैं हम आसानी से, धामिन। इसके अलावा मुझे यहाँ पर किंग कोबरा भी देखने को मिला, बट वो काफ़ी अभी तुम लोगों को नज़र आएगा। किंग कोबरा ये अजगर है, ये देख लो, ये अजगर काफ़ी पास में था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी शूट कर लिया जाए। तो ये अजगर है, काफ़ी मोटा सा है यार, इसका मुंह तुम लोग देख लो, बहुत पतला है लेकिन ये दिखने में इसका जो बॉडी है वो काफ़ी मोटा है, काफ़ी मोटा। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जानवरों को लगभग लगभग जो दिन का खाना होता है वो मिल गया था, तो शायद इसने भी अभी खाना खाया होगा इसलिए आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है खाना खाकर। इसके अलावा जो मैंने बताया किंग कोबरा, मुझे यार इसे सामने से देखने का काफ़ी मन था पर ये मुझे दिखा नहीं, वहाँ साइड में एकदम लास्ट में बैठा हुआ था, ये चुपचाप बैठा हुआ था, आप लोग देख सकते हो। किंग कोबरा के बाद मुझे एक और, मैंने बताया कि यहाँ पे तीन प्रकार के अजगर रखे हुए थे, तो ये अजगर बेसिकली स्नेक जो स्नेक होम था उसमें बहुत कम ही सांप थे, तीन तरह के सांप ही थे, एक में कोबरा, एक में धामिन और तीन में थे तुम्हारे वो अजगर। ये वाला लास्ट वाला अजगर काफ़ी मोटा था, तुम्हें यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा बट वो देखने में काफ़ी मोटा था। और इस तरह से थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन्स दिए गए हैं सांपों के बारे में, कौन सा सांप वेनोमस होता है और कौन सा सांप वेनोमस नहीं होता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं आउल होम में, यार देखने में काफ़ी सुंदर बनाया गया है, इधर मतलब बहुत रिसेंटली बनाया गया है बिकॉज मैं लास्ट टाइम गया था उस समय ये बन रहा था। तो आउल होम आगे से एंट्री इसका आउल के जैसा है, और एंट्री लेते हैं तुम्हें एक गैलरी मिलता है जहाँ पर तुम देख सकते हो कि काफ़ी से आउल्स के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर एक LED स्क्रीन भी लगाया गया है। तो आउल होम जो आउल होम था उसे बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से बनाया गया है, जिस तरह से आउल को रखा जाता है, जिस तरह से वो रहना चाहते हैं अंधेरे में, इस तरह से उसे पूरा डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक गैलरी बनाया गया है जिसके बारे में आउल और बाकी के और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक जैकल का स्टैचू, एक मतलब एक आर्टिफिशियल 3D भी था। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और बहुत अलग सा एनिमल देखने को मिला, सिविट रैट, जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था, अभी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से आउल के केजेस को बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले मुझे देखने को मिला पॉक्यूपाइन। तुम लोग अभी देखोगे पॉक्यूपाइन जो ब्लैक कलर का होता है, उधर साइड में बैठा हुआ था वो, ये रहा पॉक्यूपाइन। और ये था सिविट रैट जिसके बारे में मैं बता रहा था तुम लोगों को। और मुझे जानकर बहुत हैरानी हुआ यार, ये केला खा रहा था, तुम लोग देख सकते हो केला खा रहा था, मैंने आज तक किसी भी कैट को केला खाते हुए नहीं देखा। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे देखने को मिला, वो था ईगल आउल, जो बिल्कुल ईगल की तरह नज़र आ रहा था, सच बताऊँ तो बिल्कुल ईगल की तरह लग रहा था, और इसका साइज भी आम आउल से काफ़ी बड़ा था, और इस तरह के आउल्स मैंने पिक्चरों में देखा था। और अभी हमें मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बिकॉज आउल होम में मुझे तीन ही बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिले। और इसके अलावा मैं पहुँच गया वर्ल्ड्स हेवीएस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड जो ऑस्ट्रिच होता है, और इसके बारे में तुम्हें यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगा। आम ऑस्ट्रिच का जो वेट होता है वो तकरीबन 60 kg से लेकर 130 kg के बीच में होता है,
और ये तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रिच थे, और ये ऑस्ट्रिच को मैंने कैप्चर करने का थोड़ा पास से सोचा बिकॉज ये केज के काफ़ी करीब था। ऐसे केजेस जो बनाए गए हैं जू में काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं, तुम नॉर्मली उन तक पहुँच भी नहीं सकते बिकॉज बैरियर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो सारे जानवर और पशु पक्षी का लंच का टाइम हो रहा था एक्चुअली, तो सब लोग खाने पीने में लगे हुए थे। और ऑस्ट्रिच के जस्ट सामने ही तुम्हें बेयर का जो केज होता है, जो देसी बेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, वो बेयर्स यहाँ पर थे, जो देसी बेयर है वो। और बेयर का जो यार जो उनका बिहेवियर होता है लेज़ी वाला, मुझे यहाँ पर सांप देखने को मिला। इससे आगे बढ़ने पर तुम लोगों को नज़र आएगा एमो, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है वर्ल्ड। ये ऑस्ट्रिच से थोड़ा सा छोटा होता है, पर उन्हीं के जैसा देखने के लिए उन्हीं के जैसा दिखाई देता है। और तो सारे बर्ड्स यहाँ पर सब अपना अपना खाना पीना खाने में लगे हुए हैं, और धूप था काफ़ी अच्छा, तो सारे बर्ड्स एनिमल्स सब धूप में बैठे हुए थे। तो यार देखो, एनिमल्स हो या ह्यूमन, सबको ठंड लगती है और वो लोग भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक स्वान का जो केज है, मैं उसमें अभी पहुँचा हूँ, और तुम देख सकते हो कितना सुंदर से इस केज को बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। अंदर में अगर भीड़ ना हो तो परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है ब्लैक स्वान। नॉर्मली तुमने वाइट स्वान काफ़ी बार देखा होगा, जो उजला कलर का जो स्वान होता है वो। और उसी के बगल में तुम्हें बहुत सारे टर्टोइस कछुआ देखने को मिलेगा, जिसमें छोटे बड़े सारे कछुए, बहुत सारे कछुए थे वहाँ पर। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, और वहाँ से निकलने के बाद तुम लोग को इस तरह का जो इलेक्ट्रिक वाला तुम देख रहे हो, ये पहले यहाँ पर ट्रेन, एक छोटा सा ट्रेन चलता था जू में, मैंने एक बार उस पर चढ़ा है, बहुत ज़्यादा छोटा। इसके बाद मैं पहुँचा डियर्स के केज में, या तुम देख सकते हो डियर्स यहाँ पर हैं, बार्किंग डियर्स। तो इन्हें मैंने काफ़ी क्लोज से कैप्चर करने का सोचा बिकॉज डियर्स उतने वायलेंस वाले एनिमल्स नहीं होते, ये बहुत स्वीट से एनिमल्स होते हैं। तो इनके लिए थोड़ा केजेस जो थे पास में थे, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, तो केजेस के अंदर से मैंने ये फुटेज निकालने का कोशिश करा। सारे एनिमल्स धूप सेक रहे हैं, इन्हें देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। डियर्स का संख्या काफ़ी ज़्यादा था गाइस। और इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे ऐसे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, पर मुझे एक्चुअली बस एक बर्ड देखने को मिला वाइट कलर का। और फिर यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे मंकी, यहाँ पे दो मंकीज थे, एक ऊपर और दूसरा नीचे उधर देख रहा था। वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो यहाँ मुझे चिंपैंजी देखने को मिला। चिंपैंजी तुम देख सकते हो, इसके अलावा जू में तुम्हें खाने पीने की भी सारी इंतजामात मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो खीरा का स्टॉल था, उसका आगे तुम्हें सुधा का पार्लर भी मिलेगा, जहाँ से हमने भी थोड़े आइसक्रीम्स वगैरह चखा बिकॉज काफ़ी देर से मैं घूम रहा था। यहाँ पे तुम्हें प्राइजेस का अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन सा आइसक्रीम कौन सा शेक किस प्राइस में मिलता है। तो हमने भी थोड़े रेस्ट करके और आइसक्रीम वगैरह खा के फिर चल दिया आगे मोर को सूट करने के लिए। तो ये है वाइट पिकॉक, जो आमतौर पर मुझे जो नॉर्मल वाला पिकॉक होता है जो कलरफुल होता है पर्पल कलर का, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जू में एक छोटा सा मिनिएचर वर्जन ऑफ एरोप्लेन भी रखा हुआ था, जो जिसके सामने लोग पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो ये है वो छोटा सा क्यूट सा एरोप्लेन। डियर्स दो तीन तरह के तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से भी एक ये डियर है जो जिनके हॉर्न्स होते थे। रहा तुम्हारा राइनोसोरस,
ये एक ही मुझे देखने को मिला, आमतौर पर दो तीन, हर बार मैं जब भी जाता था वो दो तीन था, पर यहाँ पर एक ही देखने को मिला। ये पानी में डूब के अपना मस्ती करने में लगा हुआ था। तो यार ये था तुम्हारा, हमारे जू में एक और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एक छोटा सा झील है जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। और अभी मैं झील, मैंने सोचा कि यार चलो हम भी बोटिंग करते हैं ताकि एक अच्छा ब्लॉग बन सके, थोड़ा सा आप लोगों को और दिखा पाऊँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो फेयर है वो है 80 रुपीज़ 2 सीटर्स के लिए, और यहाँ पे दो तरह के बोट्स होते हैं, 2 सीटर्स और 4 सीटर्स। तो 80 रुपीज़ 2 सीटर्स के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे और 4 सीटर्स के लिए तुम्हें 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यार काफ़ी बड़ा लाइन था, लाइक अभी बोट्स भी नहीं थे तो 1-2 आवर्स लगने वाले थे, इसलिए मैंने बोट नहीं लिया और सीधा मैं वहाँ से निकल गया। पर तुम ये देख सकते हो काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो अगर तुम कभी जू आओ तो इस चीज़ को मिस मत करना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो बिल्कुल भी मत मिस करना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खूंखार जानवर जो घड़ियाल होता है उसे भी मैंने शूट किया। ये पूरा शीशा में था तो इसे मैं आराम से शूट कर पाया, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये काफ़ी नीचे था, ये ऊपर नहीं आता, तो शीशा से तुम देखोगे तो काफ़ी क्लियर तुम्हें नज़र आने वाला है। यार देखने में तो काफ़ी खूंखार नज़र आ रहा था, पर हमेशा की तरह ये अपने लेज़ी मूड में सोया हुआ था। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचा मछली घर। मछली घर का जो फेयर है वो एडल्ट के लिए 10 रुपीज़ है और चिल्ड्रन के लिए जो है 5 रुपीज़ तुम्हें पे करने पड़ते हैं। और जो मछली घर है वो झील के जस्ट ऊपर में एक पुल से होकर जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लोकेशन हो जाता है। मछली घर में एंट्री करने के बाद ये तुम्हें एंट्री का जो है वो मछली की तरह ही बनाया गया है, इसका एंट्री एंट्रेंस जो मछली की तरह, मछली का मुँह से आप एंटर करते हो और उसके टेल से आप बाहर निकलते हो, तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अब तुम लोग मछली घर इंजॉय करो और कमेंट कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो अभी तुम लोग मछली घर इंजॉय करो। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी अलग अलग मछलियाँ देखने को मिलेंगे, खूबसूरत रंगों वाली, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग रंग जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी था जो मछलियों की थी, एक्वेरियम्स बहुत सारे थे तुम देख सकते हो, और सारे में मछलियाँ थी, 1-2 में नहीं थी, बाकी सारे में मछलियाँ थी। और इस मछली को तो मेरे कैमरे से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था, अभी तुम देखना ये कैसे अपना मुँह खोलती है। काफ़ी बार मैं इसके पास गया, जितने बार भी गया इसने अपना पूरा पूरा चोंच यानी कुछ अपना पूरा मुंह ओपन कर रखा था। ये तुम देख सकते हो कितने सारे एक्वेरियम्स हैं यहाँ पर, तो इनमें तुम मछली घर अगर जाते हो तो काफ़ी इन्जॉय करोगे। और ये देखो वो मछली जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं कौन सा मछली है, पर यह बहुत ज़्यादा यार। तो मछली घर तुमने देख लिया, और ये था टेल से निकला, ये यहाँ टेल की तरह बनाया गया है मछली घर। ये है पूरा मछली घर जो एक, इसका जो फ्रंट है वो एक पूरा मछली की तरह बनाया गया है, और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यार ये था पूरा पटना जू का सीन, कैसा लगा तुम लोगों को ब्लॉग कमेंट करके बताना। तो यार बहुत जल्दी मैं अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, जो कि मैं बताऊँगा आगे ब्लॉग में मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं चैनल के ऊपर, तो बने रहो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पटना जू का कैसा लगा, और स्टे सेफ, सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।